हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस। आई एम टीचर मनीष कुमार। टुडे आई एम हियर टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9th एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। आपको क्या करना है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। एक इक्वेशन दी हुई है आपको y इक्वल टू 3, आपको एज ए कंसिडर करना है एज इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स। तो क्या करना है हमको, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इन वन वेरिएबल्स। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल इज गिवन बाय द नंबर लाइन। जब हमारे पास केवल, कब कंसीडर करेंगे हम कैसे इक्वेशन को, केवल वन वेरिएबल। सपोज करो आपके पास इक्वेशन दिया y इक्वल टू 10, तो हम ऐसे इसके ऐसे इक्वेशन के का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा हम उसको किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पर। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आई ड्रॉ ए नंबर लाइन लाइक दिस। अब आपको क्या करना होता है, इस पर को पार्टीशन डिवाइड करना होता है। तो मैं आपको डिवाइड कर लेता हूं, 0 आप जानते हैं 0 के राइट हैंड साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, एक वेरिएबल यूज करना है कि y इक्वल टू 3। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पर देखेंगे 3 डिस्टेंस कहां पर है। तो 1, 2, 3 आपको पॉइंट मिल गया, 3 पॉइंट यहां पर मिल रहा है। सिंपली इसी पॉइंट को आप कहेंगे स्टार बनाकर, यहां पर कहेंगे यही नंबर है y। ठीक है, आप इसको y वेरिएबल दिया तो y यूज कर सकते हैं, x दिया हो तो x यूज करते कर सकते हैं। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा कि आपका वेरिएबल क्या है, बट जो भी नंबर होगा आप उसको 3 पर उसी वेरिएबल्स को यूज करके लिख सकते हैं। ये आपका इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। फॉर सेकेंड, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल्स इज गिवन बाय कार्टेशियन प्लेन। हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पर प्रेजेंट करेंगे। अब क्या दिया हुआ, y इक्वल टू 3, वी कैन रिटेन एज 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू मैंने क्या ऐड कर लिए, 0। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्टली वी कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल ए कार्टेशियन प्लेन। तो मैं यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेता हूं। आपको भी ये पेंसिल से यूज करना है, कोई भी इसके लिए पेन यूज नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपके एक्स एक्सिस है पॉजिटिव एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है पॉजिटिव, ये आपकी एक्स डैश या नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। उसके बाद क्या करते हैं, हम सभी को उसको इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। मेरा मोस्टली जो नंबर है 3 पर कैंसिल खत्म हो जाएगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर मोर देन 3 कट कर लेता हूँ।
वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव। अब यहाँ पर जो एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस होगी वहाँ पर काउंटिंग वन टू थ्री फोर फाइव सोन, ये पॉजिटिव है थ्री फोर, ये नेगेटिव है नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री नेगेटिव फोर नेगेटिव फाइव, नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री नेगेटिव फोर नेगेटिव फाइव। अब आप क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है वाई इक्वल टू थ्री। तो आपको जब आप कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, जीरो और थ्री। तो आपको क्या करना है, एक्स पर तो जीरो है तो एक्स पर तो हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, केवल आपको क्या करना है वाई पर थ्री डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट है वहां पर आपको स्टार लगाना है। आपको पॉइंट मिल गया और इसी के पैरेलल एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, आपको इसके एक पैरेलल क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है यहां पर। ये जो लाइन होगी इसको मैंने नाम दे दिया है कोई ए और बी, यही लाइन क्या होगी, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, वाई इक्वल टू थ्री इक्वेशन का जो किसमें टू वेरिएबल्स में, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहां पर उसके बाद यहां पर एक लाइन लिख लेंगे आप फ्रॉम फर्स्ट, जो आपने फर्स्ट पार्ट किया था, फ्रॉम फर्स्ट वी नोटिस द वैल्यू ऑफ y will remain same but fixed by variation in the value of x because जीरो एक्स विल बी जीरो ऑल टाइम। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, हमेशा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या है, इसकी वैल्यू जो है फिक्स्ड होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच we get a line AB parallel to x-axis separated by y इक्वल टू थ्री एवरीवेयर फ्रॉम x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर टू, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू जीरो एज एन इक्वेशन। आपको क्या करना है, फिर से सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है लेट करके जब इसका वन वेरिएबल हो जब इसके टू वेरिएबल्स हो। तो अभी हमने क्वेश्चन किया है, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इन वन वेरिएबल इज गिवन बाय द नंबर 9। जब हम इसको वन वेरिएबल लेट करके चलेंगे तो उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम कहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर 9 पर। तो जो इक्वेशन मैंने इसको सोल्व कर लिया है, सोल्व करने के बाद मैंने नेगेटिव को इक्वल टू में लेकर आ गया हूँ, ठीक है, नेगेटिव हो गया है क्योंकि इक्वल टू के अपोजिट साइड लेकर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैंने डिवाइड किया, आपको वैल्यू मिल गया 4.5। अब आपको क्या करना है इसका, कि इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जीरो से राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। अब 4.5 क्या होता है, 4 और 5 के बीच का हाफ, उसको तो 4.5 बोलेंगे, वैल्यू नेगेटिव थी कि हम नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ लगाएंगे इसको। तो मैंने 4 और 5 के मिड पॉइंट को लिख करके वहीं पर उसको बोल दिया ये क्या है, आपका x है, ठीक है। सेकंड पार्ट, जब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं एज टू वेरिएबल्स, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इन टू वेरिएबल्स इज गिवन बाय द कार्टेशियन प्लेन। जब हम इसको टू वेरिएबल्स में
मानकर चलेंगे तो उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो को हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, इक्वेशन आपको दी हुई 2x + 9 = 0, तो 9 को मैं इक्वल टू में लेकर आ गया और y वेरिएबल को मैंने 0 के साथ लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स में हो चुका है। अभी क्या हो गया, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन हो गया विद 2 वेरिएबल्स x एंड y में। तो आपने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया है। ठीक है, नंबर यहाँ पर मैंने स्केल लिया है क्या, 1 unit = 1 cm। इट मीन्स यहाँ पर जो मैंने डिस्टेंस लिया है इसको क्या लिया है, 1 cm इक्वल लिया है। अब लाइन ड्रॉ कर लिया है, अब आपको क्या करना था, अब ये एक्स एक्सिस पर आ रहा है और वैल्यू कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर डिपेंडेंट आएगी आपकी, दिस साइड, क्योंकि नेगेटिव ये वाली होती लाइन होती है। ठीक है, आपको क्या करना, 4.5 सेम वही 4.5 की मिड वाली वैल्यू लेकर के आपको उसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जिसको नाम दिया मैंने ए बी। फिर यहां पर आपको लैंग्वेज लिखनी है फ्रॉम फर्स्ट वी नोटिस द वैल्यू ऑफ एक्स विल रिमेन फिक्स्ड बाई by variation in the value of y because 0 will be 0 into y will be 0 एवरी टाइम, क्योंकि यहां पर जो y वेरिएबल है वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी गेट ए लाइन ए बी पैरल टू पैरल टू वाई एक्सिस सेपरेटेड बाई एक्स इक्वल टू 9/-2 एवरीवेयर फ्रॉम वाई एक्सिस। यहाँ पर आपकी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। ओके, हैव अ गुड डे।